पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में पिछले काफी समय से सामूहिक आत्महत्याओं की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज भी जिले में तीन अलग अलग आत्महत्या की घटनाओं ने सनसनी फैला दी, जिनमें दो मासूमों सहित छह लोगों की मौत हो गई। जिले के सरली गांव में एक विवाहिता ने अपनी दो वर्षीय मासूम बच्ची के साथ टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस मामले को लेकर विवाहिता के भाई ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं दूसरी घटना रावतसर गांव की है, जहां विवाहिता ने एक वर्षीय मासूम बच्चे के साथ टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। इन दोनों घटनाओं के सदमे से लोग बाहर भी नहीं आए थे। किसी बीच जिले के चौहटन क्षेत्र के बिंजासर गांव में एक प्रेमी युगल ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर प्रयास किया। इस घटना में युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक की फांसी के फंदे से जान बची है, लेकिन प्रेमिका की मौत को देख युवक ने पास स्थित एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस सभी मामलों में जांच पड़ताल में जुटी है। बिंजासर गांव से टेलीफोन आया, कोई लड़की है जो जाल से लटक के आत्महत्या कर ली है। इस पर SHO और पुलिस स्टाफ जरूरी पहुंचा। बिंजासर पहुंचने के बाद वहाँ पे फोटोग्राफी की, वो लड़की है जो फॉरेस्ट का जो एरिया है उसकी जाल पे लटक के आत्महत्या की थी। उसके पास एक और किसी के लटकने के रस्सी लटकी हुई थी, लेकिन उसका आसपास कहीं पता नहीं चला। आज एक सरली गांव है जो बानू का पास है, उसी एक 28 साल की विवाहित लेडी थी, वो अपनी बच्ची के साथ टांके में कूद गई, जिस पर टांके से बाहर निकलवाने के बाद में पीर पक्ष ने, उसके भाई ने रिपोर्ट दी कि भाई दहेज के लिए और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करके इसको बच्ची को किया। उस पर आज मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाते हैं अभी और आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अशोक सेरा। अशोक, क्या कुछ अपडेट है? तीन अलग अलग घटनाएं हुई हैं और तीनों में आत्महत्या की घटनाएं सामने आई हैं। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा जी, आज की जो खबर है वो थार को थर्राने वाली है, क्योंकि बाड़मेर में अलग अलग तीन घटनाओं में कुल छह लोगों की मौत हुई है, जिसमें से दो मासूम बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी ये है कि बाड़मेर के दो अलग अलग गांव में जो सदर थाना क्षेत्र में पड़ते हैं, उनमें दोनों महिलाओं ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ टांके में कूदकर आत्महत्या कर दी। वहीं इसी तरह चौटन क्षेत्र के बिंजासर गांव है, वहां एक प्रेमी युगल ने पहले फांसी का फंदा लगाया, जहां पर युवती की मौत हो जाती है और युवक बच जाता है, तो युवक के पास ही स्थित कुएं में लगाकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। अब जानकारी यह भी सामने आ रही है कि बायतू क्षेत्र में अभी अभी एक खबर आ रही है कि एक युवक ने और आत्महत्या कर ली है। चौथी घटना और बाड़मेर में देखने को मिली है। जी जी बायतू क्षेत्र में जी। अशोक, यहाँ पर जानना चाहेंगे, दो घटनाएं हुई हैं, दो महिलाओं ने टांके में कूदकर जान दी है, एक अपने बच्चे के साथ में टांके में कूदी है, दूसरी घटना में एक महिला अपने बेटी के साथ में टांके में कूदी है, क्या कुछ पीछे की घटना सामने निकल करके आ रही है, क्या बात सामने निकल करके आ रही है, कुछ पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई आपकी? जी बिल्कुल, जो सरली गांव में एक महिला ने टांके में कूदकर आत्महत्या की है, उसके साथ उसकी दो वर्षीय बच्ची थी, वो भी साथ में एक तो कूदी थी, दोनों की मौके पर मौत हो गई। उसमें उस विवाहिता के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट पेश की है कि उसकी बहन की शादी को 8 वर्ष हो चुके हैं और उसके बाद में उसके जो पति है, ससुराल वाले है, सास है और देवर पिछले काफी समय से उसे दहेज प्रताड़ना को लेकर परेशान कर रहे थे। उसने कई बार अपने पीर पक्ष में समस्या भी की, लेकिन आज उसने आखिर में तय होकर आत्महत्या की, ऐसा आरोप उसके भाई ने लगाया है। जी, दूसरी घटना में कोई बात निकल करके आई हो सामने? दूसरी घटना में अभी तक उसके जो पीहर पक्ष वाले हैं वो पहुंचे नहीं है, उनका शव भी मोर्चरी में रखाया हुआ है और जो उनके ससुराल वाले हैं वो मौके पर पहुंची है। पुलिस पूरे मामले को जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे बाड़मेर संवाददाता अशोक सेरा, जिन्होंने जानकारी दी किस प्रकार से पुलिस जांच में जुटी हुई है। एक के बाद एक लगातार आत्महत्या की घटनाएं सामने आ रही है, चौथी घटना भी इलाके में सामने आई है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।